22 जनवरी का इंतजार हर राम भक्त को बड़ी बेसब्री से है। हर किसी की निगाहें बस अयोध्या में रामलला को देखने के लिए उत्सुक है। इस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 जनवरी को दिवाली जैसा जश्न मनाया जाएगा। राम भक्तों ने अभी से श्री राम की मूर्ति फोटो लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर किसी को बस अब उस पल का इंतजार है जब राम मंदिर के कपाट खुलेंगे। एक तरफ जहां लोगों को 22 जनवरी का इंतजार है, तो वहीं दूसरी ओर विदेशों में बसे हर भारतीय को बड़ी बेसब्री से 14 फरवरी का इंतजार है। अब आप सोच रहे होंगे कि 14 फरवरी को ऐसा क्या होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी शहर में भी इतिहास रचने वाला है। दरअसल अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार है। इसका उद्घाटन 14 फरवरी को होने जा रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा गया है और उन्होंने इसे स्वीकार भी किया है। उद्घाटन होने के बाद अबू धाबी का बीएपीएस हिंदू मंदिर भारत के बाहर सबसे विशाल मंदिरों में से एक और पश्चिम एशिया का सबसे शानदार हिंदू मंदिर होने वाला है। अबू धाबी का ये हिंदू मंदिर कलात्मकता और आध्यात्मिकता का मिश्रण होगा, जो प्रमुख स्वामी महाराज और बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था के आध्यात्मिक संतो महंत स्वामी महाराज के आशीर्वाद से और दृष्टिकोण से प्रेरित है। खास बात यह है कि इस मंदिर का निर्माण भारत के उम्दा कारीगरों द्वारा ही किया गया है। अब इस मंदिर की खासियत के बारे में बात करें तो बता दें कि अबू धाबी का बीएपीएस हिंदू मंदिर मध्य पूर्व के एक ऐतिहासिक प्रतीक चिन्ह के तौर पर उभरेगा। इस मंदिर को भारत में बनने वाले पारंपरिक पत्थरों के मंदिरों की तरह ही तैयार किया गया है। इस मंदिर का निर्माण गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों से किया गया है। इसके डिजाइन को शिल्प शास्त्र और वास्तुकला के आधार पर तैयार किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में इस मंदिर का निर्माण पारंपरिक और आधुनिक वास्तुकला के मिश्रण के रूप में किया गया है। मंदिर में 7 मीनारें बनाई गई हैं, जो यूएई के 7 अमीरातों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन 7 मीनारों के अलावा मंदिर में 5 अलंकृत शिखर भी हैं, जो इसकी भव्यता को बढ़ाते हैं। शिखर की ऊंचाई 108 फीट होगी। मंदिर में विजिटर सेंटर, प्रार्थना कक्ष, प्रदर्शनियां, सीखने के लिए अलग क्षेत्र, बच्चों के लिए खेलने की जगह है, विभिन्न विषयों पर आधारित उद्यान, पेयजल की सुविधा, फूड कोर्ट और किताबों और गिफ्ट शॉप भी बनाई गई है। मंदिरों में सभी प्रकार के हिंदू त्योहारों जैसे दिवाली, गोवर्धन पूजा आदि को मनाया जाएगा, इसलिए त्योहारों के समय ये मंदिर प्रमुख आकर्षण होगा। भारत और यूएई की आपसी दोस्ती के प्रतीक के रूप में ये मंदिर दोनों देशों के बीच की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करेगा। सबसे खास बात यह है कि यूएई में तैयार किए गए बीएपीएस हिंदू मंदिर के द्वार सभी धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए खुले रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अबू धाबी में बने इस शानदार मंदिर का निर्माण वहां के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल अघान द्वारा दान की गई भूमि पर किया गया है। 14 फरवरी को पीएम मोदी इस मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल हो जाएंगे। इस मौके पर 13 फरवरी को अबू धाबी के शेख जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में कार्यक्रम का भी आयोजन होगा, जिसका नाम अघान मोदी रखा गया है, यानी कि इसका अर्थ है हेलो मोदी। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन।